दशहरा यार हमारे, बिकॉज आई एम फ्रॉम ग्वालियर, स्मॉल टाउन है, तो वहाँ रामलीला होती थी और मेरे घर के पास में वो ग्राउंड था, तो हम लोग रोज शाम को वहाँ 8 बजे से रामलीला शुरू होती थी। तो लालच तो ये था, चलो ठीक है, मॉम डैड ले जाते थे, रामलीला देखेंगे, भगवान के बारे में सिखाएंगे। हमारा मेन मोटिव होता था वहाँ जाके कि खाने को मिलेगा यार, चाट खाने को मिलेगी या फिर गोलगप्पे खाने को मिलेंगे या कुछ रोज खाने के मामले में उससे भागते थे वहाँ पर। और जब मैं वहाँ से शिफ्ट भी हो गया तो मैं स्पेशली उन 15-20 दिनों के लिए अपनी दादी के पास जाके रहता था कि नहीं नहीं मुझे वहाँ रहना, दादी की याद आ रही है, मैं वहाँ जाके रहूँगा। मोटिव ऐसे वही था कि रामलीला देखने जाएंगे और खूब खाएंगे बैठ के वहाँ पर। तो बढ़िया है कि हाँ वो देखी, तो कम से कम आज की डेट में ये तो पता है कि रामायण में हुआ क्या था, ये आज पता है। और जो मैं अपने जो अपनी बच्ची है उसको मैं बता सकता हूँ कि रामायण में ये हुआ था, तो काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है मेरे ख्याल से। Yes, I have done lot of positive roles. काफ़ी सारे पॉजिटिव रोल्स किए हैं, नेगेटिव भी किए हैं। अब लोगों को नेगेटिव पसंद आ रहा है, मतलब कोई अच्छा ही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। किसी भी किरदार को करने के लिए आपको पहले सोचना पड़ेगा उसके बारे में कि ये क्यों है, किस लिए है, ये फिल्म में क्या हिस्सा है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो कोशिश ये रहती है कि हर बार मैं कुछ नया करूँ। तो ग्रे शेड कर रहा हूँ, लोगों को पसंद आ रहा है, हो सकता है अगली फिल्म में आप मुझे एक पॉजिटिव रोल में देखें। तो आई नॉट स्टिक टू वन पर्टिकुलर इमेज और वन काइंड ऑफ रोल। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, नेगेटिव करूं या पॉजिटिव करूं, एक्टिंग करना पसंद है। और वही काम बहुत आता है या सीखने की तमन्ना है। मैं बिलीव नहीं करता कि कोई आप किसी को देखते हैं कि यार ये पॉजिटिव एक्टर है या नेगेटिव एक्टर है, कोई नहीं होता। वो एक्टर होता है, वो कुछ रोल्स करता है जो कि उसके उन सेटिस्फैक्शन के लिए होते हैं। तो मैं काम करता हूँ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए। जब तक मैं खुश नहीं हूँगा मैं शायद वो स्क्रीन पर भी नहीं ला पाऊँगा कि मैं वो काम करके खुश हूँ, तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो काम मुझे अच्छा लगता है मैं वो करता हूँ, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, कॉमेडी हो। तो इट्स नॉट अबाउट ग्रे ब्लैक और वाइट, इट्स अबाउट माय चॉइस। एक इंसिडेंस है, जब मैं फर्स्ट डे शूट पे गया, बिकॉज संजू सर पहले शुरू कर चुके थे शूटिंग और मैं जब पहुंचा सेट पे, तो यू नो आप प्रिपेयर करते हो अपने आप को। देखा तो संजू सर ऑलरेडी रिहर्सल में थे और वो खड़े थे मेरे सामने और मुझे घूर रहे थे ऐसे करके। अब मानेंगे नहीं, 2 मिनट के लिए तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो गया कि अब कैसे होगा ये सीन। मैंने अपने डायरेक्टर उमंग कुमार जी से बात की, मैंने कहा सर आई नीड 5 मिनट, मुझे एक वापस 5 मिनट चाहिए खुद को, जो मैं बिखर गया हूँ यहाँ पर उसको इकट्ठा करने के लिए। आई स्टार्ट फॉर 5 मिनट्स, आई अगेन सॉ माई लाइन्स एंड देन गेव द शॉट इन 1 टेक, हो गया वो। एंड देन ही हग मी एज हिज फेमस जादू की झप्पी, एंड फ्रॉम देयर आई थिंक एवरीथिंग वॉज नॉर्मल। Obviously, I am very thankful to all my fans or my viewers basically, जो देखते आए हैं पिछले इतने सालों से, उन्होंने मुझे टेलीविजन में देखा, अब फिल्मों में देख रहे हैं और मुझे बड़े ऑनेस्ट से मैसेजेस आते हैं उनके। तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना अप्रिशिएट किया है इतने सालों में और अभी भी करते जा रहे हैं। वेदर आई डू अ नेगेटिव रोल और आई डू अ पॉजिटिव रोल और आई डू कॉमेडी और एनीथिंग, यू ऑलवेज बीन देयर विद मी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप लोग अपना प्यार बरकरार रखेंगे मेरे साथ में।